फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर के बजे हैं 3:30 बजने को आए हैं और आज दिन है 26 जनवरी और फ्राइडे का दिन है। तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तभी वाइफ ने जस्ट बनाई है बघारी खिचड़ी और ये परोठा, तो मैंने जस्ट अभी अपना दोपहर का खाना कंप्लीट किया है। तो अभी दोपहर के बजे 3:30 और आज का वेदर जो है बहुत ही बढ़िया है, पूरा सनशाइन निकला हुआ है और जो आकाश है पूरा क्लियर है, सनी एकदम वेदर है। लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते, बाहर 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और ठंड भी लग सकती है। और मैंने एक छोटा सा बेड मंगाया था, सिंगल बेड, और उसका हवा भरने का पंप है, तो इसको भी अनबॉक्सिंग करना है। और शाम को फाइटर मूवी भी देखने जाना है, उसकी टिकट ऑलरेडी हमने अर्ली बुक कर ली है। तो अभी ये व्हीकल टैक्स रिमाइंडर भी घर पे आया है, रोड टैक्स भरना पड़ेगा हमको। तो हर बार नॉर्मली मैं 6 महीने का भरता हूँ, अगर आप डायरेक्ट डेबिट से भरते हो, पहले मैं डायरेक्ट डेबिट से भरता था तो 152 है, अगर डायरेक्ट आप कैश या कार्ड से पे करते हो तो 159 पाउंड जो है 6 महीने का चार्ज लगता है। 31 जनवरी है, ख़त्म हो रही है, आज है 26 जनवरी। अभी 4 दिन पड़े मेरे पास, 4 या 5 दिन, तो इसको भी भरना पड़ेगा जल्द से जल्द। सो गाइस, अभी 4:48 टाइम हुआ है, शाम के 5 बजने को आए हैं। अभी मैंने शाम दोपहर में दिखाया 3:30 बजे कितनी कड़ी धूप थी, अभी देखो पूरा क्लाउडी हो गया है, सनशाइन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लंदन का सनसेट है वाकई में बहुत ही बढ़िया है। तो अभी थोड़ा टहलने के लिए गार्डन में आया हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने सुना होगा, ये गार्डन में कई बार मैं आ चुका हूँ। आइए देखते हैं गार्डन में कैसा माहौल है। दोस्तों, जो ये गार्डन में आया उसका नाम है हेरो रिक्रिएशन ग्राउंड, और पीछे जो है पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन ये कभी भी खुले नहीं रहते, लॉक एंड की रहते हैं। और यहाँ आप देखिए ग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही काफ़ी सुविधा यहाँ रखी हुई है। और पूरे लंदन में आप कहीं भी चले जाओ, कौन सी भी जगह पर, कौन सी भी काउंटी में, कौन सी भी काउंसिल में, हर 2 माइल की दूरी पे आपको ऐसा एक बहुत ही बढ़िया गार्डन मिलेगा, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए आइटम बनाई हुई है। जैसे ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल खेल सकते हो, वहाँ पर लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और वहाँ छोटा सा जो है कॉफ़ी शॉप बना हुआ है, और उस तरफ भी जो है एक छोटे किड्स के लिए झूले और स्लीपर ही बनाई हुई है। आसमान में देखिए पूरा जो पिंक कलर का शेड पड़ रहा है। और यहाँ पर एक जो है हेरो बॉल क्लब करके बनाया हुआ है, जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो वहाँ यहाँ पर आके बॉल गेम खेलते हैं। तो दिखाता हूँ इसी तरफ वो जो है पूरा अंदर की साइड ग्राउंड बना हुआ है। तो ये एरिया बहुत ही बड़ा है गार्डन का, देखो वहाँ तक लास्ट में बिल्डिंग है, वहाँ तक जाता है। अगर आप ये गार्डन का पूरा चल के चक्कर लगाते हो तो आराम से आपका 10 मिनट लग जाएगा। प्रकार से कुछ ऐसा है, देखो बॉल ग्राउंड, ये उसकी पीच है। तो वहाँ से मैं चल के अंदर आया था और वहाँ से मैंने ये कॉफ़ी शॉप दिखाई दिया। अभी कॉफ़ी शॉप के पास में खड़ा हूँ और जो मैंने बताया था किड्स प्लेइंग एरिया, तो वो मेरे सामने ही है। तो ये देखो वहाँ तक गार्डन है और यहाँ से वहाँ तक गार्डन, ये जो टेंट है उसके पीछे को दिखेगा शायद। तो देखो लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा एरिया है। और ऐसा लंदन में हर काउंटी में, एवरी 2 माइल की दूरी पे इतने बड़े बड़े गार्डन है, यानी चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है।
टेनिस, बास्केटबॉल और व्हीलचेयर के लिए टॉयलेट की सुविधा उस तरफ है। तो ये है छोटा सा, छोटे बच्चों के लिए खेलने का एरिया। ये पूरा बाउंड्री के अंदर बनाया हुआ है और यहाँ हर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट के साथ ही होता है, कभी अकेला नहीं होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है नीचे का, पूरा रबर की मैट जैसा होता है, अगर शायद ये गिर जाता है तो अभी लगता नहीं है। तो भाई कमाल क्लब प्लानिंग है इनका। मैं से टहल के वापस घर पे आ गया हूँ, तो सोच रहा हूँ इस जो पार्सल आया है उसका भी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, क्योंकि रात को भी मूवी देखने जाना है फाइटर, और वो शायद जो है मूवी वो ट्रू स्टोरी बेस्ड है, तो मूवी कैसे है उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो चलिए फिलहाल अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। और ये सारी जो चीज़ है वो अमेज़ोन से मंगाई है। तो अमेज़ोन में एक चीज़ अच्छी है, अगर आपको पसंद नहीं आती उसमें रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी अच्छी होती है। तो ये है इसका हवा भरने का पंप। इसको काटने में सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि ये तो है रबर का बेड। और ये बेड किस लिए मंगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अनबॉक्सिंग करते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं। बस इतना ही लंबा है, पर अच्छा है और भी है। इसका डार्क ब्लू का कलर ऊपर का है और वो हिस्सा नीचे का है। अनबॉक्सिंग तो हो गया, अभी इसको यूज़ करना है। चलो ये पाइप तो लग गया यहाँ पर, अभी पता नहीं चल रहा ये नीचे का है कि ऊपर का है, सी अभी हवा भरने के बाद ही पता चलेगा। चलो इतना ही हवा रखता हूँ। ओह माय गॉड, वापस मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। अभी तो यहाँ से निकलना पड़ेगा तो मैं वापस से हवा निकल जाएगी। नाइस। भी डाल के आप सो सकते हो। तो दोस्तों अभी बचे हैं शाम के 7:30। तो देखिए भाई लंदन हैरो का ये वेदर, और लेट नाइट जैसी फीलिंग आ रही है, पूरा अंधेरा छा गया है। तो विंटर में ऐसा ही हाल होता है। ये तिथि एकम, तो देखिए चंद्रमा अभी फुल लालिमा में है और हम जा रहे हैं देखने के लिए मूवी फाइटर। अभी 7:30 बजे हैं शाम के और ये हैरो का एरिया है और इसी शॉपिंग मॉल में मुझे जाना है मूवी देखने के लिए, जो मेरे घर से ओनली 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है।
तो हमने एक हफ्ते पहले ही टिकट बुक कराई थी, तो हम और हमारे फ्रेंड्स दो तीन लोग आ रहे हैं, साथ में मूवी देखेंगे। घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वॉक करके यहाँ मैं आया हूँ। और ये शॉपिंग मॉल का नाम है सेंट जॉर्ज शॉपिंग मॉल, इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ से अंदर जाना है। VUE का ई सो रहा है अभी, और हम पहुंच चुके हैं थिएटर के पास। इस बार दोस्तों स्क्रीन वन आया है, और अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। तो गाइस फाइटर मूवी एक्शन मूवी थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और ज़रूर से थिएटर में जाके देखिए आप एक बार, बड़े स्क्रीन पे देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो भाई देखने लायक मूवी है, देशभक्ति के ऊपर मूवी है। गुजरात मराठा पुराविण उत्कल बंगा जव जय गाता जंगल मंगल नायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 ना। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।